हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिस्टिक एजुकेशन। आज की हमारी इस वीडियो में हम स्मिटिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। स्मिटिक लैंग्वेज होती क्या है, इसको ओरिजिन कब हुआ, इसको मॉडर्न और अर्लीस्ट फादर कौन था, एट प्रेजेंट कितनी स्मिटिक लैंग्वेज हैं, ऑफिशियल स्मिटिक लैंग्वेज कौन सी है, तो इस सबको देखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मिटिक लैंग्वेज होती क्या है। अ लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू अ ब्रांच ऑफ द एफ्रोएस्टिक लैंग्वेज फैमिली इंक्लूडिंग हिब्रू, अमेरिक, अरेबिक, ट्रिग्रियाना एंड इथियोपिक। इसमें ये बता रहे हैं कि जो स्मिटिक लैंग्वेज है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस का एक कलेक्शन है या ग्रुप है जो कि एफ्रोएस्टिक कंट्रीज़ में बोली जाती हैं। ये एफ्रोएस्टिक लैंग्वेज फैमिली का एक ग्रुप है या इसमें इंक्लूड है। आपको इस डायग्राम से समझ आ जाएगा। मैंने कुछ फेमस लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड की हैं, बट जो स्मिटिक लैंग्वेज है वो बहुत सारी है, बट कुछ फेमस लैंग्वेजेस आई हैव रिटन हियर। तो अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। द अर्लीस्ट एंड ओल्डेस्ट रिटन स्मिटिक लैंग्वेज इज अकेडियन। अब सबसे पहली जो स्मिटिक लैंग्वेज थी वो थी अकेडियन, जो कि अकर लोगों के द्वारा बोली जाती थी जो कि मेसोपोटामिया में रहते थे। और इसको पहली स्मिटिक लैंग्वेज भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहली स्मिटिक लैंग्वेज अकेडियन ही थी। तो एक टाइम पे स्मिटिक लैंग्वेज का नाम साइरो अरेबियन भी था। इसका प्रीवियस नेम अगर आपको पूछा जाए तो प्रीवियस नेम इसका साइरो अरेबियन भी था। तो ये जो लैंग्वेज है, स्मिटिक लैंग्वेज है, ये 500 मिलियन पीपल के द्वारा बोली जाती है। और ये बोली कहाँ कहाँ पे जाती है, इन ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट या फिर मिडल पार्ट भी बोल देते हैं इसको, एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। इसको हम आगे टेबल की हेल्प से देखेंगे जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि कौन से पार्ट में कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूड हैं। अब इसकी हम अर्ली हिस्ट्री देख लेते हैं कि स्मिटिक लैंग्वेज को ये नेम दिया किसने था। तो ये जो नेम है इसको एल स्कॉलर्जर ने 1781 में दिया था ये नेम, क्योंकि इसमें जो हिब्रू लैंग्वेज है वो इंक्लूड थी। क्योंकि उस टाइम पे जो लोग लैंग्वेज बोलते थे अर्लीस्ट टाइम पे, उसको हम जेनेसिस, बाइबल की एक बुक है जेनेसिस, उसके 10 चैप्टर में देख सकते हैं। वहाँ पे एक नोहा है जिसके 3 सन हैं, शेम, हाम और जफेत। तो जो शेम था उसी के नाम से ये नेम पड़ा था स्मिटिक। ये वर्ड जो है ये शेम के नाम से ही लिया गया था। अब जो फर्स्ट ओरिजिनल बाइबल थी उसकी लैंग्वेज भी हिब्रू ही थी। तो उसके बाद तो काफ़ी सारी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया बाइबल को, बट जो फर्स्ट ओरिजिनल बाइबल की लैंग्वेज है वो थी हिब्रू बाइबल। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी होली बुक हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई, तो इसका आंसर जो है वो बाइबल आएगा। और जो अरेबिक है उसमें कुरान लिखी गई। अगर आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी होली बुक अरेबिक में लिखी गई, तो उसका आंसर आ जाएगा कुरान। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे कितनी स्मिटिक लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो ये 77 स्मिटिक लैंग्वेज बोली जाती हैं, और मोस्ट फेमस लैंग्वेज जो है वो है अरेबिक। 21st सेंचुरी की जो मोस्ट फेमस स्मिटिक लैंग्वेज है वो है अरेबिक। एंड स्मिटिक लैंग्वेज डिवाइडेड इनटू 3 सब ब्रांचेस। इसको हम आगे 3 ब्रांचेस, सब ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है नॉर्थ वेस्ट स्मिटिक, नॉर्थ ईस्ट स्मिटिक एंड सेंट्रल एंड साउदर्न स्मिटिक। तो इसमें आगे कौन कौन से लैंग्वेजेस आती हैं वो देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट स्मिटिक में जो लैंग्वेज इंक्लूड है वो है हिब्रू, अरेमिक एंड एब्लेट। और जो नॉर्थ ईस्ट स्मिटिक में लैंग्वेज आती है वो है अकेडियन। एंड सेंट्रल एंड साउदर्न स्मिटिक वाली लैंग्वेजेस हैं अरेबियन एंड इथियोपिक। अब इस टाइम पे जो मॉडर्न फॉर्म में स्मिटिक लैंग्वेज सर्वाइव्ड कर रही हैं वो ओनली 2 है, हिब्रू एंड अरेबियन। आपने देखा होगा जो ज्यूज़ हैं उनकी लैंग्वेज है हिब्रू, या फिर इसराइल स्टेट में बोली जाती है हिब्रू। और जो अरेबियन हैं वो अरब कंट्रीज या यूएई में बोली जाती हैं। अब जो कुछ फेमस स्मिटिक लैंग्वेज हैं इनमें हम वोवल देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं। इसमें जो हिब्रू है इसमें 6 वोवल्स हैं, अमेरिक में 7 हैं, ट्रिग्रियाना में 7 हैं, और मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक में 3 वोवल्स हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेमिटिक लैंग्वेज है वो साइन सिस्टम की स्टडी है। अगर आपने हिब्रू या अरेबिक लैंग्वेज देखी होगी तो उसमें कुछ साइन बने होते हैं, तो ये जो लैंग्वेज है ये साइन सिस्टम की स्टडी है। नेक्स्ट, मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज टू राइट सेमिटिक लैंग्वेज आर अब्जार्ड। तो सेमिटिक लैंग्वेज को लिखने के लिए जो ज़्यादातर स्क्रिप्ट यूज़ की गई है उसको बोलते हैं अब्जार्ड। ये एक टाइप है अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट की, जिसमें कि वोवल्स को ओमिट कर दिया जाता है या हाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे ओमिट की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे एम के बाद आई आएगा, ठीक है। तो इसमें जो वोवल्स है उसको ओमिट कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी या मेन है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो कॉन्सोनेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और ज़्यादातर जो वोवल्स होते हैं उनको ओमिट कर दिया जाता है। अब जो अर्लीस्ट अल्फ़ाबेट इंक्रिप्शन थी, जो नॉर्थ वेस्ट सेमिटिक लैंग्वेज की इंक्रिप्शन थी अल्फ़ाबेटिक, वो कहाँ पर मिली थी? उसको इजिप्ट में फाउंड किया गया था। आगे हम स्ट्रेस पैटर्न देखते हैं। जो हिब्रू लैंग्वेज है इसका जो स्ट्रेस पैटर्न है वो फिक्स होता है, जो वर्ड्स होते हैं उसका जो स्ट्रेस होता है वो फिक्स होता है। मिंटूज स्ट्रेस ऑलवेज फॉल ऑन द पेनल्टीमेट सिलेबल। जो स्ट्रेस पड़ रहा होता है वो पेनल्टीमेट सिलेबल पे पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो सेकेंड लास्ट सिलेबल है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो हिब्रू में जो स्ट्रेस पैटर्न है वो ऑलवेज फिक्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर। तो ये नंबर जो है ये टू टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, तो सेम ऐसे ही सेमिटिक लैंग्वेज में भी ये नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल किताब, जो कि एक सिंगुलर वर्ड है किताब या बुक, और इसका जब हमने प्लूरल बनाया तो ये बन गया कुतुब यानी कि बुक्स। तो इसमें जो चेंज हुआ प्लूरल में, तो इसके वोवल्स में चेंज हुआ, किताब को कुतुब करके उसके वोवल्स में चेंज करके उसको प्लूरल बना दिया गया। नेक्स्ट है कातिब। कातिब मीन्स राइटर, तो इससे जो प्लूरल बना वो बना कुतुब। तो इसमें हम देखते हैं कि वोवल्स को चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बना दिया गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ट्रेडिशनल ज्यूइश सेज दैट एडम एंड ईव स्पोक हिब्रू। तो जो ज्यूइश कहते हैं पुराने टाइम में, वो कहते थे कि जो एडम और ईव थे वो हिब्रू लैंग्वेज बोलते थे। अब हम देखते हैं कि अरेबिक में क्या वर्ड ऑर्डर है। तो जैसे हमारे इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो अरेबिक में वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब जो है वो वोवल्स को चेंज करके बनता है। नेक्स्ट, द ओनली सेमिटिक लैंग्वेज माल्टीज इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो सिर्फ जो माल्टीज लैंग्वेज है, माल्टीज सेमिटिक लैंग्वेज है, सिर्फ इसी को यूरोपियन यूनियन में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द सेमिटिक प्रोटो लैंग्वेज एम्प्लॉयड अ सेट ऑफ। इसमें जो सिक्स फोनेमिक वोवल्स का सेट होता है सेमिटिक लैंग्वेज में, जिसमें कि थ्री शॉर्ट वोवल्स होते हैं और थ्री लॉन्ग वोवल्स होते हैं। तो जो सेमिटिक लैंग्वेज है ये एंशिएंट एज वेल एज मॉडर्न लैंग्वेज है। एंड वन मोर थिंग, सेमिटिक लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज ऑफ 18th सेंचुरी। तो इसके साथ ही हमारा सेमिटिक लैंग्वेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। इफ यू वांट मोर ग्रामर वीडियोस लाइक दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।